चंदौली पुलिस के थाना सैयद राजा द्वारा अलग समय व स्थान से दो DCM ट्रक में क्रूरतापूर्वक तरीके से लादकर वध एवं ले जा रहे 20 राशि गोवंश बरामद हुए हैं। आपको बता दें, अंतर्राज्य स्तर पर गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए। प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के DCM वाहनों में गोवंशीय पशु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाए जाने लगा। चेकिंग अभियान के दौरान दो DCM ट्रकों में 20 राशि गोवंश बरामद हुए और 4 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दो ट्रक पकड़े गए हैं जिसमें लगभग 20 गोवंश बरामद हुए हैं और इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये लोग विभिन्न जनपदों से गौ तस्करी करते हुए माध्यम से तस्करी करके बंगाल की तरफ गाड़ी को लेकर जा रहे थे। लगातार पुलिस की कार्रवाई गौ तस्करी के खिलाफ चल रही है, क्योंकि हमारा जनपद बॉर्डर जनपद है बिहार और यूपी का। इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है और लगातार विभिन्न थानों द्वारा जो भी इस तरह में संलिप्त गैंग्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ गैंगस्टरिंग कार्रवाई भी की जा रही है और जो भी अवैध संपत्ति इनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई कार्य करके बनाई गई है उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जा रही है।